हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है करंट एक्वेशन टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नंबर सीरीज, करंट एक्वेशन, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनका वेटेज जो होता है एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैं वही टॉपिक्स आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर बेनिफिट रहे, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, करंट एक्वेशन के अंदर जो है साइनिंग मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साइनिंग मेथड से ही हम लोग जो करंट एक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2p प्लस 12p प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स वाई की जगह मैंने p और q लिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है, 2p स्क्वायर प्लस 14p प्लस 24 इज इक्वल टू स्क्वायर सॉरी जीरो, ठीक है। अभी देखिए, 16 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले, ठीक है। 16 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 32 मिलता है। ऐसे दो नंबर बताइए जिसके एडिशन करने से 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा, तो 8 एंड 4 और दोनों अमाउंट जो आएगी माइनस माइनस में आएगी, ठीक है। और दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये अमाउंट हमेशा डिवाइड में जाती है अगर यहाँ पर कोई अमाउंट रही तो, ठीक है। तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, ओके। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। दो नंबर बताइए, 8 6 से 48, 8 प्लस 6 14 आ जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों के दोनों माइनस में आएंगे। माइनस 4 बढ़ाएगा, माइनस 4 बढ़ाए तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों इक्वल में आ जाएंगे। माइनस 4 बढ़ाएगा, माइनस 3, माइनस 3 बढ़ाए, माइनस 4 बढ़ाएगा, माइनस 2 बढ़ाए, माइनस 2 बढ़ाए, ग्रेटर और स्मॉलर के साइन आ गए ना बच्चों। तो यहाँ पर आंसर हमेशा क्या आता है, ग्रेटर स्मॉलर के साइन में, सी एन डी। सी एन डी का फुल फॉर्म क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। सी एन डी का आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपको सी एन डी देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन के अंदर क्या साइन देखने को मिलेगी पता है आप लोगों को, ये साइन देखने को मिलेगी ऐसी वाली, सी एन डी का ये साइन होती है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो गया ना तो ये साइन दिखेगा अपने को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 22 इज इक्वल टू जीरो। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 42 आता है। 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 42 मिलता है। आप लोगों को टेबल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। टेबल्स अगर आपको लर्न नहीं हो गया तो आप लोगों को ये नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। दो नंबर बताइए एडिशन का, 6 एंड 7 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 3 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों अमाउंट जो है प्लस में आएगी, तो प्लस 2 और प्लस 2.3 एंड 3, ठीक है। तो ये दो नंबर मिल गए मुझे यहाँ पर। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 66 आ जाएगा। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 11 प्लस 6 17, 11 6 जा 66, दोनों को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 9 एंड 6 3 18, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएगा, दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, ठीक है। अभी देखिए, प्लस 2 का प्लस 3 से कंपेयर करो तो प्लस 3 बड़ा है, प्लस 2 को प्लस 2 से कंपेयर करो तो इक्वल आ जाता है, प्लस 0.36 को मैं 2.33 में कंपेयर करूँ तो प्लस 3.33 बड़ा है, पर मैं अगर प्लस 2.33 को प्लस 2 से कंपेयर करूँ तो प्लस 2.33 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर की साइन आ रही है। तो यहाँ पर आंसर सी एन डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर सी एन डी आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी एन डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। आया समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन से और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग का एस बी आई क्लियर 2021 के इसमें देखने को मिलने वाले प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। पक्का में देखने वाले, देखिए ये लेवल रहेगा, प्रीलिम्स का लेवल हमेशा ऐसे ही रहता है, मेंस का लेवल थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। 9 टू जा 18, दो नंबर बताइए, 6 3 जा 18 आ जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, 6 प्लस 6 3 जा 18, दोनों को जो है 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6 एंड 1.5 आ जाएगा, दोनों के दोनों माइनस में आ जाएंगे, 5 9 जा 5 4 जा 20, दो नंबर क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। दो नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 तो यहाँ 1.25 आ जाएगा, माइनस 1.25 यहाँ 1 एज इट इज आ जाएगा। तो कंपेयर करिए, देखिए माइनस 1.25 और माइनस 1 दोनों से बड़े, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, y इज ग्रेटर देन x। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक हमें आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 19
y प्लस 44 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे दिया है ना। अभी देखिए दो नंबर बताइए जिसका एडिशन करने से हमें 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। तो 3 एंड 4 दोनों अमाउंट जो आएगी प्लस प्लस में आएगी, क्योंकि माइनस प्लस का ऑपोजिट साइन प्लस प्लस आता है, ठीक है। यहाँ भी एज इट इज प्लस प्लस में आ जाएगी। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 88 आता है। और ऐसे दो नंबर बताइए जिसके मल्टीप्लाई करने से 88 आएगा और एडिशन करने से 19 आएगा। तो 11 और 8, 11 8 जा 88, 11 प्लस 8 19 आ जाएगा। दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 5.5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो प्लस 4 एंड प्लस 5.5 आ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन किया तो कई देखिए प्लस 4 तो इक्वल आ जाएगा, प्लस 5.5 दोनों से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जो मिलेगा मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो क्या मिला हमें, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे दिया है। माइनस माइनस साइन इसलिए एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में, एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में। 6 2 12, 6 2 4, 6 2 12, प्लस माइनस माइनस, ओके। यहाँ पर देखिए 7 एंड 2 आ जाएगा, 7 2 14, 7 2 5, तो प्लस 7 2, तो एक अमाउंट आ रही प्लस में, एक अमाउंट आ रही माइनस में। तो ऐसे 90% चांस है कि ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा हो आप लोग का, तो इसका आंसर जो आता है सी एंड डी आता है, ठीक है। क्यों ना क्यों देखिए प्लस 6 प्लस 7 से छोटा है, पर प्लस 6 प्लस माइनस 2 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सी एंड डी। सी एंड डी का फुल फॉर्म कैन नॉट बी डिटरमाइन, द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, और आप लोग को ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर रिलेशन नहीं बैठ रहे हो तो, ठीक है। इसी तरह हमारे पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे लगता है आप लोग कुछ भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी डाउट और क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो मैंने काफी इजी में आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट और क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।